Hello and welcome to my weekly shit posting YouTube channel. Here I am back with another video. If you guys are a part of this small and funny family, तुम्हें पता होगा कि मैं अपनी वीडियो में कितनी ज़्यादा गालियाँ बकता हूँ। उतनी ज़्यादा भी नहीं बकता। But now I have an update for this channel. My family has asked me not to use any abusive word in my video. And that's not a bad thing actually. हाँ भाई, मेरी family अभी तक मेरे को control करती है। But are we really independent? अबे जा ना। So as of now, I have decided not to use any abusive word in my video. And गालियाँ ना देने की वजह से I have to suffer a huge loss. कैरी की ऑडियंस को मैं अब फनी नहीं लगा। एंड प्लीज भाई, अब मेरे को कोई नॉर्मी मत बोलना भाई, प्लीज भाई। अबे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आजा, तेरी मम्मी को दो चार गालियाँ बक दूंगा, फिर हो जाऊंगा ना। डैंक। तो लास्ट तीन वीडियो में मैंने किसी ना किसी को कॉल आउट करा था, या तो हिपोक्रेसी के लिए या फिर क्रिंज होने के लिए। ऑफकोर्स फॉर व्यूज, जो कि अभी तक आए, आई होप कि आ जाएंगे। भाई किसी की किस्मत कितनी टट्टी हो सकती है कि जिस टॉपिक पे लोगों के 40,000 व्यूज आए, उस टॉपिक पे मेरे 200 व्यूज आए। Why are we still here? Just to suffer. तो इस वीडियो में मैं किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ। आई हैव जस्ट रिटन सम जोक्स, जो कि मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे डालने के बजाय यूट्यूब पे ही डाल दूं। ऑफकोर्स फॉर व्यूज भाई, लेकिन तुम लोग थगेश का दूसरा वर्जन क्यों लिख रहे हो? सो वेलकम टू एन एपिसोड ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन द इंटरनेट एंड व्हिच आई लव टू से। भाई मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा। डिस्क्लेमर, भाई वीडियो में जोक्स मैंने बहुत फ्रेंडली वे में बोला है, तो मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ। और अगर तुम इस वीडियो को आगे तक देखते हो तो मेक श्योर कि तुम पॉलिटिकल जोक्स पे ऑफेंड ना हो, और अगर ऑफेंड होना है तो प्लीज इस वीडियो को अभी क्विट करके चले जाओ, निकल। देखो भाई, आई डोंट वॉन्ट एनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अराउंड मी। मैं सोता हुआ बेड पे अच्छा लगता हूँ, कब्र में नहीं। देखो टू बी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बहुत सारे फायदे भी हैं। फेम बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जैसे मुनावर फारूकी को। बट मुझे नहीं लगता है कि मुझे मुनावर फारूकी जैसा फेम मिल सकता है, क्योंकि मेरे और मुनावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मैं जोक्स बहुत अच्छे लिख लेता हूँ। टुडे द टॉपिक वी आर गोना टॉक अबाउट इज अलीगढ़ इज टू बी रिनेम्ड एज हरिगढ़। Seems like people from UP are very happy with it. अबे भाई खुश क्यों हो रहा है? जाना गंगा में अपनी दादी की लाश ढूंढ ले। वैसा नहीं है कि नाम बदलने से हर कोई खुश है, बहुत सारे लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनकी आवाजों को नहीं। Everyone knows कि how addicted Yogi ji is when it comes to changing names. Yogi ji, crime rates के नाम चेंज कर दो ना। वो क्या है ना कि बढ़ बहुत रहे हैं आजकल क्राइम से। या दया, अलीगढ़ का नाम चेंज करने के बाद से यूपी में बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस कम हो गए हैं। क्यों? खुद अलीगढ़ में बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, और अलीगढ़ तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता। वो तो ठीक है योगी जी, लेकिन अगर किसी जगह का नाम रिलीजन हो तो उसे भी चेंज। योगी जी इज दैट पर्सन जो कि बैंक से लोन लेने के बाद अपना नाम चेंज कर देते हैं। अरे अंकल मार क्यों रहे हो? मैंने थोड़ी ना लिया था लोन। अरे क्या मतलब नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती? अरे योगी जी, लड़की का नाम लड़का रख दो ना, कम से कम अबॉर्शन के रेट तो घट जाएंगे। योगी जी 2,00,000 रुपए बहुत महंगे हो जाते हैं, 1.5 लाख करा दो। योगी जी लव्स टू रीनेम थिंग्स सो मच कि वो ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव कभी सेलेक्ट नहीं करते, इंस्टेड वो ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं। क्वेश्चंस भी, भाई नाम बदलने से तुम इतना प्राउड क्यों फील कर रहे हो? तुम अभी भी यूपी से हो, यूपी जहाँ पे लक्ष्य चौधरी अपनी डैंक क्लासेस देता है। अगर ओलंपिक्स में भी नाम बदलने का कोई गेम होता तो ओलंपिक्स आज योगी आदित्यनाथ खेल प्रतियोगिता। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, जितने जोक्स लिखे थे मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम के बजाय यूट्यूब पे ही वीडियो डाल दी जाए रीच के लिए। देखो भाई प्लीज, वीडियो को देख के ऑफेंड मत होना, मुझे तो यूपीए का मतलब ही नहीं पता। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ज्वाइन आवर अनफनी फैमिली।